मैं IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। एज ऑफ नाउ मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली अभी MBBS कर रही हूँ। मैंने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना BCom ऑनर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद अभी करेंटली आई एम वर्किंग विद एन MNC। मतलब जॉब्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ट्राई करो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज़। यू तो आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे चाय स्टॉल्स के वीडियोस देखे हैं, फूड स्टॉल्स के वीडियोस देखे हैं, जहां पर हमने अतरंगी नामों को आपसे इंट्रोड्यूस कराया है। कोई ग्रेजुएट छोड़ के ग्रेजुएट चाय वाली हो गई, कोई दुबई से रिटर्न होकर दुबई रिटर्न चाय वाला हो गया, किसी को प्यार हो गया तो वो पहली मोहब्बत हो गया, किसी का दिल टूट गया तो वहाँ पर बेवफा चाय वाले आ गए। आज बहुत सारे सीरियस कंटेंट हमने इसके बीच में बना लिए थे, जिसमें हमने टेक्निक्स वाले वीडियोस, बिज़नेस आइडियाज़ के वीडियोस आप तक पहुँचाए। फिर मन हुआ कि कुछ ना कुछ उसमें खाने पीने का तड़का लगना चाहिए, तो एनर्जी पार्क के जस्ट सामने मुझे कुछ दिखाई दिया जो कि बहुत स्पेशल था और लिखा हुआ था IIT की कॉफ़ी। मतलब देख के तो लगा कि भाई बड़ा पढ़े लिखे लोगों का एक झुंड होगा जो इसको चला रहा है, जो इसके पीछे मेंटालिटी होगी, इस स्टॉल के पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की होगी। बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो बहुत सारे कॉफ़ी बीन्स और बहुत सारे पाउडर्स मुझे दिखाई दिए जो थोड़ा यूनिक थे। तो यहाँ के जो ऑनर तीन दोस्त मिलकर इस चीज़ को चला रहे हैं, और इंट्रोड्यूस कराती हूँ, बात कराती हूँ, जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की कहानी। हमारे साथ है अतुल। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू मुझे इंट्रोड्यूस करने के। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम अतुल साय और मैं IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। एज ऑफ नाउ मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ। और ये एक इनिशिएटिव है कि कॉफ़ी कल्चर को प्रमोट किया जाए बिहार में। मैंने पर्सनली फ़ील किया जब वर्क फ्रॉम होम के दौरान फेज़ में मैंने ये फ़ील किया कि कोई भी कैफ़े में जाने पे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कैफ़ेज़ हैं अपने यहाँ, तो वो क्या हो रहा है ना कि कॉफ़ी अपने आप एक लग्जरी बेवरेज के तरह ट्रीट हो रहा है और उनका मोनोपोली स्टार्ट हो गया। मतलब तो वो भी अगर मिडिल क्लास का कोई अगर बंदा है तो वो सोचेगा भी नहीं कि वो कभी कैपेचिनो ऑर्डर भी करे कहीं। हाँ, पे जाके यही सेम प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आप बहुत लिमिटेड सेगमेंट को टारगेट करते हो और उनका मोनोपोली हो जाता है तो वो प्राइसेस अपने आप से रखते हैं। और कॉफ़ी में जैसे वो जो भी चीज़ दे रहे हैं उसमें बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रखते हैं, तो ये चीज़ मैंने भी फेस किया। तो फिर इसे एज अ होम प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि हर महीने मैं कॉफ़ी पे अराउंड 9,000-10,000 में स्पेंड कर रहा हूँ। हाँ डेली, क्योंकि मैं कैफीन लवर हूँ, मैं कॉफ़ी एंथुसियास्ट हूँ, तो 9-10,000 हो जा रहा था। तो ये मेरा एक होम प्रोजेक्ट था और मैं कुकिंग एज अ पैशन रहा है मेरा बचपन से, तो मैंने ट्राई किया कि वो कॉफ़ी का रिच फ्लेवर कैसे आया जाए। और दूसरा था कि मुझे एक माइंडसेट मैंने देखा लोगों में बहुत प्रीवेलेंट था कि कॉफ़ी मतलब नेस्कैफे। एक अवेयरनेस भी नहीं था लोगों में कि कॉफ़ी में भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकते हैं। तो हमने ये बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले सर्वे फॉर्म फिल कराया, हमें जानना था कि कस्टमर बेस कैसा है, तभी हम टारगेट कर सकते हैं उन्हें। तो बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक्चुअली अभी MBBS कर रही हूँ, तो हम तीन का ग्रुप है, मैं, अमन, अतुल। हम लोग कैफ़े हॉप करते रहते थे एंड कॉफ़ीज़ हर जगह का ट्राई करते रहते थे कि कहाँ पे बेस्ट मिलती है, एंड उसमें हमने देखा कि प्राइसेस बहुत हाई हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ रोज़ कॉफ़ी पीना। तो उसके लिए हम सोच रहे थे कुछ करते हैं, फिर ये आइडिया आया IIT की कॉफ़ी। मैंने बार बार ये चीज़ कहा है ना कि जब आप इतने अच्छे फैमिली से आते हैं, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, आप MBBS कर रहे हैं, इन्होंने IIT किया हुआ है, बॉम्बे से रिटर्न है, तो मतलब इसके बाद भी फैमिली को कन्विंस करना कि ओके ठीक है हम स्टॉल पे जा रहे हैं, हम ऐसे काम को करने जा रहे हैं जो शायद थोड़ा सा हटके है, फैमिली को कन्विंसिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल था? फैमिली को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है, तो इसी के हिसाब से सोचते हैं कि तुम MBBS कर रही हो, तुम्हें बुक्स के साथ टाइम बिताना चाहिए या कोई जॉब करना चाहिए, जैसे ये IIT किया है। तो ये जितनी भी आपने स्टडीज़ के बारे में बताई, ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है इसमें, ताकि आप कुछ और नहीं सोच सकते इसके बीच में कि कुछ और भी क्या चल रहा है आसपास में। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इतना कुछ सर्वे कर लेना, इतना कुछ सोच लेना, कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मैं बस एक चीज़ कोट करना चाहूँगा। जब ओपनिंग सेरेमनी था IIT बॉम्बे में, मेरे डायरेक्टर ने एक चीज़ कोट किया था कि एवरेज सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हम जैसे IIT में पढ़ रहे हैं तो उसका 4 ईयर या 3 ईयर्स जो भी कॉस्ट होता है ना, वो बहुत हाईली सब्सिडाइज होता है और वो पैसे टैक्स पेयर्स से आते हैं।
तो और सब कोई क्या करते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं। उन्होंने बोला था डोंट लाइक सीक फॉर जॉब्स, मतलब जॉब्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ट्राई करो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। अपने बारे में थोड़ा सा जी, तो मैं इनका भाई हूँ और हम मैंने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद एक साल मैं अशोका यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप में यंग इंडिया फेलो भी रहा हूँ। तो अभी करेंटली आई एम वर्किंग विथ एन MNC। तो अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम हो रहा था यहाँ पे पटना में, तो हमने सबसे बड़ा रिस्क क्या था इस स्टार्टअप में? रिस्क तो सबसे बड़ा वही था कि फैमिली ये सब मतलब लोग क्या कहेंगे, वो वाला जो हमारा था कि लोग क्या कहेंगे लोगों का, तो वो चीज़ था कि आप इतने अच्छे कॉलेजेस पर के इतना अच्छा एजुकेशन लेके या फिर जॉब्स करते हुए तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब बहुत लोग का ऐसा भी कहा गया क्या कि शायद जॉब नहीं लगी, शायद इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया, हो सकता है इन्होंने किसी को ना बताया और ऐसे स्टार्टअप करके स्टार्टअप का नाम दे रहे हैं एक ठेले को, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सोसाइटी में बोलते हैं? जी जी, ऐसे बहुत है। इवन हमारे रील्स ये सब भी जो वायरल हुआ तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने कॉमेंट्स किया कि बैक बेंचर्स होंगे इसलिए शायद ये कर लिया हो या फिर जॉब नहीं लगा होगा। अभी भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि बस नाम के लिए बस IIT डाल दिया है, क्या प्रूफ दे सकते हो कि हो या नहीं, तो वो सब सवाल आते जाते रह रहे हैं, लोगों क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट वही कि हम लोग अपने क्वेश्चन से नहीं, मतलब अपने आंसर से नहीं जवाब देके अपने क्वालिटी अपने किस बिहेवियर से हम लोग उनसे पेश आते कस्टमर से, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ हम लोग एजुकेटेड हैं, कितने रिस्पेक्ट के साथ कस्टमर से बात करें या क्वालिटी कैसे प्रेजेंट करें एज अ कॉफ़ी में या फिर अपने बातचीत से, तो उनको फिर समझ आता है। तो फिर बार बार ये सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता कि हाँ हम IIT से या DU से या फिर NMCH से कुछ भी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है ना कि जब आपने इतनी सारी प्लानिंग कर ली, सर्वे के बारे में कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्टॉल आपने अच्छे खासे स्टॉल के बारे में सोच लिया, डिज़ाइनिंग सोच ली, बट जब ग्राउंड पे आते हैं और लोगों से पैसा मांगने होता है कि 80 रुपये का एक जो है वो कॉफ़ी लोगों तक पहुंचाना है, ये कितना मुश्किल होता है? बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। जैसे आपने कहा ना फैमिली बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, कभी ग्राउंड पे वर्क ही नहीं किया है कभी इंटर कि सर आपका 20 हुआ और वो जा रहे हैं तो उन्हें बोलना है कि सर रुकिए आपका 20 हुआ, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा है। अभी तक हम लोग मतलब नहीं कर पाते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है, हिचकिचाहट होती है कि रुपए के लिए भी सोचना, मतलब हाँ, बताना और लेना वो। हाँ, जैसे हमारे कॉफ़ीज़ ऐसे 79-89 ऐसे करके हैं, तो ऐसा हो जाता है कि 1 रुपये चेंज के लिए वो वेट कर रहे हैं और मुझे 1 रुपये देने हैं उन्हें, कि ऐसा नहीं है कि हाँ ओके नहीं 1 रुपये देने हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा है। एट लास्ट लोगों को इनविटेशन कैसे मिलेगा जो लोग अभी तक आए नहीं आपके पास? हाय गाइस, हमारे IIT की कॉफ़ी में आइए एंड बिहार की ऑन रोड बेस्ट कॉफ़ी ट्राई कीजिए, ये मेरी गारंटी है। मैं तो वही बोलूँगा जैसे कि आई थिंक ये आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है बिकॉज हम लोग अभी एक्सप्लोर मतलब हमने जस्ट स्टार्ट किया है, आपके पास बेस्ट टेस्ट ऑब्जर्व करने का, टेस्ट करने का, आपके पास एक्सपीरियंस करने का एक अलग एम्बियंस, जो आप रेगुलर चीज़ों से हट के कुछ नया ट्राई करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। एंड आइए यहाँ पे एंड वी आर लाइक ऑलवेज रेडी टू ग्रीट यू एंड लाइक प्रेजेंट यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ कॉफ़ीज़। और आप लोग भी कुछ सजेस्ट करते रहिए तो हम लोग कुछ नया भी लाएंगे इस चीज़ों में, तो ये फिंगर्स क्रॉस लाइक वी आर होपिंग। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ को हमने देखा है जो जहाँ पे बहुत सारे क्वालिफाइड लोग जब किसी प्रोफेशन में आते हैं तो वो किसी भी प्रोफेशन को बहुत चीयरिंग बना देते हैं, बहुत खुशनुमा बना देते हैं। तो अगर आप पटना से कहीं से भी हैं तो एक बार ज़रूर आके विज़िट करके जाइए, टेस्ट करके जाइए, एक्सपीरियंस करके जाइए, क्योंकि इनका ये दावा है कि ये जो टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा वो आपको पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बाकी अगर किसी ब्रांडेड आप शॉप में जाते हैं, ब्रांडेड अगर आप किसी कैफ़े में जाते हैं, तो एक बार ज़रूर आइए, हमें हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा यहाँ का टेस्ट और कैसे लगे ये तीनों, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।